हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे, आर फुल फैमिली एंजॉयिंग टुगेदर इन न्यू हाउस। फाइनली भाई, मलान फैमिली एक साथ नए घर के अंदर है। प्यारा सा ब्लॉग है, प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में प्यार निशावर कर देना। अभी तक तो हमने नहीं देखा इनका कोई ऐसा ब्लॉग। हमने पूरी फैमिली साथ में हो, ये पहली दफा देख रहे हैं। मतलब पूरी फैमिली क्या पता बीच में ब्लॉग आए हो, पर ये किसी ने हमको टाइम पे बता दिया तो इसलिए हम देख रहे हैं। सो 3, 2 एंड स्टार्ट। भाई इसको तो कुछ अलग ही हो रहा है, क्या कर रही है? पता नहीं, ज्यादा सुपर एक्साइटेड आज। ये शीशा देख के वो थोड़ा भी नहीं आ रहा हमें देखने के लिए। कर क्या रहे हैं? अपने आप को देख के असरा क्या कर रहे हो आप? ए बेबी, तेरी हंसी पर तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। So what's up guys, क्या हाल चाल? वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और मैं देखो सुबह से रेडी हूँ, मेरे को आज हमने नए घर जाना है। ये हमेशा ही हम बोलते नए घर जा रहे हैं, और मेरे को इन्होंने बोला था कि 11 बजे हम चलेंगे, लेकिन हम फाइनली नए घर में जा रहे हैं शिफ्टिंग। किसके साथ? इसके साथ। ये जा रहा आज न्यू हाउस, और हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। प्रेमला ने बोला था कि चलो न्यू हाउस की फील तो लेके आते हैं, तो मैंने ना पिकनिक के हिसाब से खाना भी बना लिया। मतलब वहां जाके खाना ना बनाना पड़े, लेकिन कोई रेडी नहीं हुआ। देखो मेरा खाना भी रेडी है, सब रेडी। सबसे पहले मैं रेडी हुआ था, तो एकदम मेहनती वो है, इंजीनियर चौक वाले। बस मैं ही रह गया, चौक जो करते थे वो सेंसिबल हो जाते हैं। मैं तूने भी तो करी है। क्या बात कर रहे हो? मैं भी रेडी हो गई हूँ। मेरी वजह से प्लान बना गाइस, क्योंकि मैंने बोला था कि अरे हमें भी थोड़ी सी फील तो लेने दो नए घर की। ऐसे बोलते रहते हैं। फाइनली प्लान बन गया मेरी वजह से, और अब हम दो या तीन लेट भी तेरी वजह से। मैं तो तैयार खड़ी हूँ आपका दो भाई। आ जाओ भाई। ओहो, तो फाइनली आज फुल मस्ती होने वाली है। आज अशर डांस कर रहा है। मैं अशर से पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है। सुबह निकले शाम अशर अशर भी घर आके देख रहा था, ताली मार रहा है। हैं ले लो, आज लग रहा है कि भाई फील ले रहे हैं। सही में मैंने भाई सबके लिए खाना बनाया। वी आर हियर फॉर अभी एंट्री हुए हैं और खाना पहले आ गया हमारा। भाई मैं खाना जो लेके आई हूँ वो कहाँ जाएगा? वो भी खा लेंगे, हम सब खा लेंगे, हम सब खाने वाले इंसान। खाना नॉट अलाउड हियर। एक सेकंड, चप्पल उतार दी। यस, एंट्री दे दी। मम्मी का बसंत पे गई थी। अशर नहाया नहीं, चल निकल। नहा क्या परी? नहा क्या है भाई? सब नहा के आए। हेलो गाइस, तो देखो मामा ड्यूटी पे लग गए हैं। मामा बोलो, मामा बोलो, मामा। अरे इसको कुछ नहीं ले रहा तेरा मामा से, सीधा कैमरा पे हाथ मारता है। और यहाँ पर पोलू अपना बेटी धर्म निभाते हुए पूरा किचन सेट कराते हैं। वाह क्या मस्त है ड्यूटी। ये मेरे लिए कंबल भी आया है, मैचिंग कंबल लेके आई हूँ। मेरे लिए पिंक किचन में कंबल क्या है? हर्ष ससुर जी के साथ सो जाएगा। किचन में कंबल कुछ भी करेगा। इसमें ना हम क्रॉकरी भर के लेके आए थे ताकि टूटे ना। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। तेरी मम्मी और नानी कितनी इंटेलिजेंट है। जो तुम नहीं सोचते वो हम कर देते। मम्मी यार ये इसको मैंने बट बेबी पे बिठाया था, पर ये बैठ क्यों नहीं रहा? अब ये बैठ क्यों नहीं रहा? इस पे बैठ तो गया और कैसे बैठेगा? हिल ही जा रहा है भाई, तो हिलेगा तो सही ना हो। अजूबा है भाई, बहुत खतरनाक। ये अजूबा है भाई, अजूबा टिकता नहीं है ये अजूबा। रात को मैं देख रहा, मैं एकदम से मैं आया घर और कोलू के ऊपर लात मारी उसने, पड़ूं। मैं कहा ये क्रिकेट खेल रहा रात को? अरे तो पता तो चलता नहीं है। और एकदम से मम्मी मैं आया, कि हम लोग कितना रात को। एक बच्चा पालना तो पूरी वो है, 24/7 जॉब। इसने रात को इसको मैं 3 बजे भी देख रहा, खिला रही हूँ उसको। बता रहा है,
ये इसके साथ तो हर कितनी वो कर देता है हेल्प, मेरे साथ तो कभी पापा ने करी नहीं थी। गलत मत बोलना, चाय बनाओ। लोग आते वो कहते हम तो मलन साहब के फैन हैं। भाई तो मैंने यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट सेट कर दिया अपने हिसाब से और यहाँ पे भी सेट कर दिया है। ये तो पहले से ही सेट था। वैसे मुझे पर्सनली ये मग्स बड़े अच्छे लगे, कप्स। चलो भाई लेट्स फील एट होम नाउ, तीन दिन यही मस्ती करेंगे। आपने खाना नहीं खाया, हम सब ने खा लिया, खा लो अब खाना। ये देख सीक्रेट सीक्रेट हमारे देख के ही हो गया। ओके तो पोलू जी आप अपने नए कमरे में आ गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है यार। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रही हूँ तुम्हें सुला दो भाई, तुम्हें सुला दो भाई। यो ना माने वो नए घर में आके क्यों सोएगा भाई? वो भी तो खेलेगा। क्या हो रहा है कि मैं कुछ मिस ना कर दूं, फोमो हो रहा है। पर पता इस घर का सबसे बड़ा कमरा तेरा है। मैं एक बात बताऊं, मतलब मुझे रूम देख के मैंने आज ढंग से देखा है, अब मुझे लग रहा है ना फर्स्ट फ्लोर ना सेकंड फ्लोर यही कमरा सबसे अच्छा। ये भी तो फर्स्ट फ्लोर ही है, और फर्स्ट फ्लोर किसका है पता है? ये डिसाइड हो गया फर्स्ट फ्लोर तेरा फ्लोर हो चुका है, यहाँ पे रूम है, तो तेरी बीवी आके भी यही सोया करेगी, तेरा भी गारंटी है। अगर मेरी शादी हुई तो ना, मैं तो सलमान भाई का फैन हूँ, जिंदगी भर कवारा रहना चाहूंगा। कोई नहीं, कवारों को हम अच्छे अच्छे को शादी करा। अशर तेरी बारी अब। मैं अशर के बाद शादी करने को तैयार हूँ। अशर आर यू रेडी? मैं अशरी अशर की गर्लफ्रेंड लेके आऊंगा। अशरी मामू जवान ही रहे पूरी जिंदगी। क्या बोलता है भाई, इसको तो कुछ अलग ही हो रहा है, क्या कर रही है? पता नहीं, ज्यादा सुपर एक्साइटेड आज। ये शीशा देख के वो थोड़ी देर में हमें देख के घर पसंद आ गया इसको। क्या कर रहे हो आप? ए बेबी इसको दो दो अशर दिख रहे, दो भाई, दो अशर देख के इसको कुछ हो रहा है, एक्साइटमेंट लेवल ज्यादा हो गई है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है आज। आज भाई को मिरर कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एक्चुअली शीशा में देखने में क्या होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया। पागल हो गया, पागल हो गया, कमला हो गया कमला। ये हमारी घर के बाहर का व्यू देखो, जबरदस्त। ये लाइटें जला जला के देख रहे हैं। एक लाइट खराब है अभी, भी खराब है वो देखो। हाँ एक लाइट नहीं जल रही, याद रखना, याद रखना। मलन साहब ना पूरी लाइटें जला जला के देख रहे हैं, और जब से हम आए ना, आज माली को बुलाया था, नए प्लांट्स लगवा लिए हमने, नीचे रोज के प्लांट्स लगवा दिए, एंट्रेंस पे ये लग गए मोर पंखी, और इधर ये सारे एंट्रेंस पे हमने ना सारे रोजेज रोजेज लगवा दिए, क्योंकि हमारी उस वाले घर में भी पूरे रोज ही रोज थे, तो मैंने कहा हमने यहाँ पूरे रोज ही लगवाने हैं। और आपको एक बात बताऊँ, जब से अशर आया ना घर में इतनी रौनक, इतने बड़े घर में इतना शोर शराबा था, क्योंकि अशर पूरी अटेंशन ले रहा था ना, और अब वो सो गया है, शांति हो गई, इतनी शांति है। वो तो सोया ही सोया, साथ में ये महाराज भी, ये देखो ये तूफान सो गए, बहुत मुश्किल से सोया है। आप बहुत थक गए सर? यस। सुबह से सफाई है, क्या कर रहा, क्या कर रहा? आराम करके थक गया हूँ इसलिए आराम कर रहा हूँ। आराम करके थक गया इसलिए आराम कर रहा हूँ। आते हो है? नहीं, मैंने ऊपर इंटरनेट इश्यूज जो हो रहे थे वो फिक्स करवाए हैं। काम तो थोड़ा बहुत करा है मैंने, काम तो थोड़ा बहुत करा है। पर अब नींद आ रही थी तो मैं जाने लगा था ऊपर, पर प्रेरणा ने मुझे यहीं पे रोक लिया कि चुपचाप यहीं पे बैठ जा, ऊपर नहीं जाना, तो मैं फिर यहीं पे सोने लग गया। तो यहाँ बैठ के तू करेगा क्या? उसने शोर तो करने नहीं देना, वो देख क्योंकि उसको, मैं तो कह रहा हूँ प्रेरणा कॉफी पिला दे, मजा आ जाएगा। प्रेरणा कॉफी पिला दे, उसको दूध पिला रही थी। अच्छा, वो देखो ना कैसे बोतल पूरी गटक गटक रहा है, देख के मैंने कहा मुझको भी कोई ऐसे कॉफी पिला दो बोतल मुंह में डाल के, मैं भी सो जाता हूं। सबसे बड़ी अभिषेक और हर्ष
पता नहीं कहाँ चले गए, गायब ही हुए पड़े हैं। जब हम आए थे तो वो गाड़ी में निकले के हम आसपास से कुछ खाने पीने के लिए लेके आते हैं, एक्सप्लोर करने गए। दो घंटे हो गए उनको, दो घंटे से गायब, कहाँ है ये? मिसिंग भाई, पता लगाओ, पता लगाओ, ये तो मिस्ट्री हो गई। अबे ये क्या है, ये दरवाजा कहाँ से खुलता है? ओह खुल गया। जब तक मम्मी कॉफी बना रही है तब तक हम ये पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में, बालकनी, बैक एरिया, बैक यार्ड जो भी बोलते हैं, यहाँ पे आके मैंने सोचा बैठूं और आराम से, मतलब कुछ हो तो रहा नहीं है बट ऐसे ही बैठ के हवा खाऊं और सोचूं कि जिंदगी में क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं, सच में कुछ भी नहीं। मम्मी 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 मम्मी, मैं अभी बैकयार्ड में बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरे को नहीं समझ आया मम्मी जिंदगी में क्या चल रहा है। मेरी जिंदगी में तो फॉग चल रहा है। तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में बताया। हाय मम्मी, आप तो हाय हाय मम्मी, ट्रिगर्ड इंसान की मम्मी आज प्रूव हो गई। अब तो हो गया भाई, अब समझ गए मेरी इतनी ज्यादा कॉमेडी कैसे आती है मेरी। कैसे कॉमेडी? मैं कि जिंदगी में क्या चल रहा है, कहती है फॉग चल रहा मैं तो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं तो मम्मी के पीछे पीछे चल रहा हूँ, क्या करने के लिए मम्मी? ये इस वाले रूम में ना, मतलब बाकी सब में सब कुछ लग गया, इस वाले रूम में ही रह गया। अच्छा, मैंने एक और बहुत सीरियस बात सोची और वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। क्या? कि मैंने डिसाइड करा है कि इस फ्लोर पे मैं इस रूम में सोया करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा रहता है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे पंखा है। अरे सच में मेरे को पंखे की आवाज के बिना, हाँ, सो बेसिकली कुछ लोगों का होता है ना कि पंखे की आवाज, मैं सर्दियों में भी पंखा चला के सोता हूँ एक नंबर पे, बिकॉज वो पंखे की जो आवाज होती है उसके बिना मेरे को नींद नहीं आती। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों के साथ ऐसी कुछ ना कुछ चीजें होती होंगी, तो वजह से मैंने तो यही डिसाइड करा कि यहाँ पे पंखा है, उधर वाले बेडरूम में पंखा है नहीं, नीचे वाले फ्लोर पे भी नहीं है, तो इसीलिए बेस्ट रूम फॉर मी इज दिस वन, यहाँ पंखा है और यहाँ पे लाइट भी कम आती है। कॉफी बच भी गई, मैं कॉफी रख के सेकंड फ्लोर पे चली गई। भक्त भक्त आई है मम्मी, कॉफी कॉफी। मैं लिफ्ट में आई हूँ, मैं लिफ्ट में आई हूँ। मैं भक्त भक्त आया हूँ, मैं लिफ्ट में आई हूँ ताकि फटाफट कॉफी बचा लूं। लिफ्ट से निकल के तो भक्ते भक्ते आए हो, ये बोल रहा था भक्ते भक्ते आए हो कि कॉफी कॉफी। भाई साहब आप कहाँ गया? मैं प्रैक्टिस कर रहा था। क्या? मैं प्रैक्टिस कर रहा था तुम मेरे पार्ट थ्री बना रहे अब। तुम मेरे टू इज आउट एंड इज गोइंग वायरल ऑन इंस्टाग्राम, जल्दी जाके रील बनाओ सारे उस पे। और अगर पूरा गाना सुनना होगा तो ट्रिगर्ड इंसान यूट्यूब चैनल पे। यस यस। और तू भी तो एक रील डाल भाई, मम्मी का तेरी हंसी पे मर ना जाऊं, वही सेम बना दूं तेरी वाली। और क्या, 20 मिलियन उसमें। एक काम करता हूँ, तेरी शक्ल कट करके अपनी लगा देता हूँ। मस्त आइडिया। बस एक चीज है उसमें, थोड़ी ओवर एक्टिंग कम होगी तेरी। मम्मी हो गया आपका बर्तन हो गया भाई बर्तन। तो मैं कह रही हूँ अगर हो गया तो चलो सोना करने चलते हैं अब। और क्या, अभी तो मजा है, रात को मजा ही सोना ही सोना। सोना नहीं, कचेरी कचेरी होगी रात को। लेट्स गो फॉर सोना, प्राइवेट गॉसिप सेशन, लेडीज टॉक। चलो फिर चले। ये मैंने बोला ना, सोना नहीं है ये, गोसिप का है, थोड़ा टाइम नहीं है, ये रात का टाइम होता है, ये मजा आता है। बोला क्या था उसको ट्रिगर्ड इंसान? क्या मेरा नांदी जी ने केस लव्स क्या बोला था? आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या बोला था ऐसा? क्या बोला? सुन, हो गया वो बंदा, वो उसने इतना ठंडा जोक मारा ना उसकी अम्मी ने, फोग वाला। अबे जी ये है कि जिससे भी पूछो ना, यहाँ पर भी है। उसने ये क्यों बोला कि प्रो हो गई है? मैंने कहा कोई अच्छी लाइन बोल दी है वो, वैसे उसने तंज में बोला, समझना,
क्योंकि यार हर किसी से पूछो ना यार क्या चल रहा है, फोक चल रहा है वे भाई, पुराना हो गया थोड़ा सा, आगे बढ़ जिंदगी में यार तू। बोला रोस्टर की माँ यही है भाई, यही कह रहा ये रोस्टर की माँ है। बाकी भाई ये था आज का लेटेस्ट ब्लॉग, अगर आपको रिएक्शन और वीडियो पसंद आए प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में प्यार निछावर कर देना। और जो मलान फैमिली के पार्ट है जो की आपको क्यूट एंड फनी कह रहे हैं वो बहुत जल्द इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।